जय श्री राम साथियों। तो साथियों आगे आपकी मंकी फन वीडियो, इस वीडियो को लास्ट तक देखना, बहुत ही मजेदार ये वीडियो है। ये वीडियो जो है वो अयोध्या की है साथियों। ये जो बंदर आप देख रहे हैं वो अयोध्या के बंदर हैं, और इन बंदरों की भाई साहब शरारतें एक अलग ही लेवल की है। सबसे चीज मैं ये चीज आपको पहले ये बता दूं कि अभी देखो सर्दी का समय है और बारिश हो रही है, तो एक छोटी सी जो स्टेशन पे बैठने की जगह होती है लोगों के, वो ये बनी हुई है। यहीं पे सभी बंदर जितने भी हैं यहाँ पे, वो सभी यहाँ पे बैठे हुए हैं, और इत्तफाक से यहीं पे कुछ पैसेंजर्स आ जाते हैं जो कि बंदरों को भगा देते हैं। मैं साथियों ट्रेन में था, मैंने ट्रेन से ही इस वीडियो को शूट करा, तो वो लोग भी यार कहीं साइड में बैठ सकते थे। अब इन बंदरों को ये लोग जो है भगा देंगे, और बारिश में भी बेचारे बैठे निकल के, वो मुझे भी बहुत बुरा लगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ बंदर जो हैं सब इधर उधर भाग रहे हैं। अब जैसे ये पैसेंजर्स आ गए और ये बंदर जो हैं इन पर मतलब बहुत ज़्यादा एकत्रित हो गए, और अयोध्या में साथियों बंदरों की संख्या बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है। अभी करंटली की बात कर रहे हैं, जब से श्री राम जी आए हैं तो भाई उनकी सेना तो ऑब्वियसली आनी ही आनी है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, इतनी सर्दी है और सर्दी में बारिश में बारिश हो रही है, और बारिश में बंदर भीग रहे हैं। साथियों मैं सभी से प्रे करता हूँ, सभी से अनुरोध करता हूँ, यार सर्दी इन्हें भी लगती है, बारिश से भीगते ये भी हैं। ऐसा नहीं है कि इनका शरीर जो है वो आयरन का है, ऐसा कुछ नहीं है, सब नेचुरली है जैसे हम आप, वैसे ही ये भी हैं। साथियों इनका भी थोड़ा ध्यान रखें, इन्हें भी खिलाएं पिलाएं। साथियों कल जब मैं अयोध्या से आ रहा था वापस, तब ये सब वीडियो मैंने शूट करे हैं, और आप सभी से मैं अनुरोध करता हूँ भाई इन सब बंदरों का थोड़ा सा आप ध्यान रखिए। मैं जैसे ही घर वापस आता हूँ और सुबह में फिर से इन बंदरों को खिलाना शुरू कर देता हूँ। साथियों मैं जब अयोध्या से वापस आ रहा था तो मैंने इनकी बहुत ही बुरी स्थिति देखी, और मैं तभी एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा बुरा लगा कि काश इनका भी मतलब हर जगह हेल्प करने वाले लोग हैं। तो साथियों श्री राम जी की कृपा वैसे सब पर है, और मैं प्रे करता हूँ कि सब पर बनी रहे ऐसे ही। और दूसरी चीज़ मैं आप सबसे ये कहना चाहूँगा कि आप सब भी इन सब की हेल्प कर रहे हैं, इन बेजुबानों की। साथियों मुझे जहाँ तक लगता है कि थोड़ी उनकी अगर हेल्प करने से हमारा कुछ घटेगा नहीं, बल्कि हमें एक जो खुशी है वो मिलेगी, और वो खुशी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। वो हर समय हम फील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ जब किसी वर्दी से बिलोंग करने वाले की या फिर बेजुबानों की हम हेल्प करते हैं तभी वो खुशी मिल सकती है। साथियों कल लेट नाइट मैं घर पहुँचा हूँ अयोध्या से, श्री रामलला जी के दर्शन करने के लिए वहाँ था, और आप सभी को वहाँ के भी मैंने बंदरों की वीडियो दिखाई थी, और यहाँ मैं जैसे अपने घर आया हूँ तो सुबह में हमारा फिर से वही मंकीज हेल्प चालू हो गया है। तो मैं आप सबसे भी यही रोज़ हर वीडियो में अनुरोध करता हूँ, और अगर आपने हमारे अयोध्या के ब्लॉग्स ना देखे हो तो आप सबसे मैं अनुरोध करता हूँ कि आप जाएँ अयोध्या के हमारे ब्लॉग्स देखें। वो मैंने श्री रामलला जी के दर्शन से लेके मंदिर सब कुछ दिखाया है अपने ब्लॉग में। इसी चैनल पे आप तुरंत क्लिक करें और पूरी वीडियो देखें जाके, भाई साहब बहुत ही अलग दिख रहे हैं श्री रामलला, अद्भुत एकदम आकर्षण, बस आप देखें जाके। अभी जाएँ वीडियो देखें, और जय श्री राम कमेंट में ज़रूर लिखना, इस वीडियो में भी कमेंट में जय श्री राम लिखा जरूर करें। मेरी हर वीडियो में आप जय श्री राम लिखा करें, अगर कुछ नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर भी कोई दिक्कत नहीं, बस आप जय श्री राम लिख दिया करें, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। सब देखना, वो सब पढ़ना, वो सब लिखना। तो साथियों जय श्री राम, ऑलवेज हेल्प लाइक दिस। अगर आप हेल्प करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, यू विल गेट हैप्पीनेस आफ्टर हैप्पी। आप बस करके देखिए, ये जो बच्चा था ये जो तो अपनी माँ की वजह से माँ से थोड़ा दूर हो गया था, तो ये ऊपर पेड़ से नहीं आ पा रहा था, तो बाद में इसकी ये जो माँ है वो आ गई ऊपर और उसको जो है नीचे लेके आई।
वो बैठी। अच्छा ये साथी मैं बता दूं आप सबको, ये जो माँ है ये अपने बच्चों को ऐसे नहीं छोड़ती। इसने क्यों छोड़ा था मैं आपको वो बता दूं कि ये जब बच्चा ऊपर बैठा था तो ये बस इसलिए इसने छोड़ा था कि ताकि वो अपने आप से चलना सीख सके, अपने आप से दौड़ना सीख सके, अपने आप से पेड़ पर चढ़ना सीख सके। बस इस वजह से उसने छोड़ा था और शायद कोई वजह नहीं थी। और ये इसी तरीके से वो और उसके अंदर जो है ना वो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उसे अकेला तो एक पल के लिए नहीं छोड़ते हैं। अगर उन्हें थोड़ी सी भी आहट लगेगी, इधर उधर की थोड़ा सा भी खतरा महसूस होगा तो वो तुरंत अपने बच्चों को पहले उठाएंगे और उसके बाद। और अगर आप एकदम सीधे उनके बच्चे उनके बीच में जा रहे हैं तो वो आपसे अटैक कर देगा लेकिन अपने बच्चे को नहीं छोड़ेगा। ताकि वो ये इतना मतलब इतना प्यार होता अपने बच्चे के। साथियों आप सब वीडियो को लास्ट तक देखें और वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, वीडियो में कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें और इस चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर से कर लेना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जैसे ही मैं वीडियो डालूँ तुरंत मिल जाए। और साथियों अगर आपने अयोध्या वाले ब्लॉग, फिर से मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने अयोध्या वाले ब्लॉग अभी तक नहीं देखे हैं तो आप जाइए मेरे चैनल पे क्लिक करिए, वहाँ की लॉन्ग वीडियोस को सेलेक्ट करिए और उसी में आपको मिल जाएंगे सभी अयोध्या के ब्लॉग। 2 से 3-4 ब्लॉग मैंने डाल रखे हैं, आप वहाँ पे जाइए और देखिए और जय श्री राम वहाँ भी कमेंट में लिखिए और इस वीडियो में भी जय श्री राम जय श्री राम। साथियों श्री रामलला जी के दर्शन बहुत ही शुभ कार्यों से होते हैं तो मैं तो कर आया हूँ और आप सब से भी कहता हूँ कि आप सब भी जाएं। तो साथियों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसका भी ध्यान रख रहा हूँ मैं। अभी के लिए इस वीडियो में कमेंट में शेयर से हम लिख देना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय श्री राम, बाय बाय।